डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल के आया, फिर कुछ टाइम के बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, तो फिर मेरा फुटबॉल कुछ टाइम के लिए छूट गया। फिर मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि आप खेलो। मेरी माँ ने सपोर्ट किया, मतलब मेरी पूरी एंटायर फैमिली ने सपोर्ट किया। फिर मुझे शौक बढ़ने लगा, मैं खेलता गया। फिर मुझे एक स्टेट फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन मिला और उसमें मुझे मेरी सिलेक्शन हो। ये रियल कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स हुई, तो ये साउथ कश्मीर का मैं पहला गोलकीपर हूँ जिसको रियल कश्मीर एफसी में जगह मिली है। बचपन से ही शौक था कि मैं फुटबॉल खिलाड़ी बन जाऊँ। माधे फादर की डेथ हुई तो थोड़ा अपसेट हो गए हैं। फिर मैं इसका अंकल हूँ, तो हमने सपोर्ट इसको किया है कि भाई ठीक है, आप जब शौक आपका है तो आप इस फील्ड में जाइए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। तो पढ़ाई के साथ साथ इसने इस फील्ड को ज्वाइन किया है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ शुपियाँ की बात, अगर सपोर्ट्स की बात करूँ, यहाँ पर इतना मतलब वो सिस्टम नहीं है सपोर्ट्स का कि मतलब इनक्रेज बच्चों को कह रहे कि सपोर्ट्स में, खासकर फुटबॉल में। मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ड्रग्स से दूर रहिए, जो भी गलत काम हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि इंशाल्लाह आप मेहनत कीजिए तो आपको भी इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। यूथ स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल की ये पूरा सो चुका है। मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में से एक फुटबॉल टूर्नामेंट इधर हुआ है। शोपियान में बहुत ज़्यादा कमी है कोच की, मतलब जो बेसिक नीड्स है शोपियान में उनकी कमी है। रियल कश्मीर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की और इसका टैलेंट देख के इन्होंने इसको अपने टीम में शामिल करके इसका मतलब ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की बात अगर मैं करूँ, ये पहला हमारा बच्चा जो है जो इस फुटबॉल मतलब फील्ड में गया है। मनोज सिन्हा सर से कि वो शोपियान में जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, इसको मतलब स्पोर्ट्स चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, इनको आगे बढ़ाए। क्योंकि पहली जो बात है कि यहाँ कमी है कोचेस की शोपियान में, चाहे क्रिकेट हो या और कोई हो, फुटबॉल हो, कमी है कोचिंग। पहले यहाँ पे कोचेस को लाया जाए क्योंकि वो बच्चों को सिखाए। शोपियान में इतना टैलेंट है कि अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स को चलाया जाएगा तो यहाँ शोपियान में सनान जैसे बहुत निकलेंगे, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो।